क्वेश्चन नंबर सिक्स हम कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं जब क्वेश्चन सिक्स है, नाजिया इन्वेस्ट PGR 8,800 दैट पेज सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम एंड PGR 1200। अब यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ें नई आ गई है कि उसने जो अपनी जो इन्वेस्टमेंट की है वो एक दफा नहीं की हुई, इन्वेस्टमेंट क्या की हुई बेटा, दो दफा की हुई है। अब मैं जरा इस क्वेश्चन को काफ़ी लिखूंगा, आप इसको पहले समझते जाइएगा जरा। देखिए गिवन दैट नाजिया इन्वेस्ट PGR 800, हम इसको लिख रहे हो P1, आप इन्वेस्ट करें या बारो करें, दैट इज द प्रिंसिपल इशू। आप पहले समझ लें उसके बाद फिर सुनो। P1 की जो दो दफा इन्वेस्टमेंट की है, इसलिए हमने पहले इन्वेस्टमेंट को हम P1 का नाम दे रहे हैं, दूसरी इन्वेस्टमेंट को हम P2 का नाम। प्लीज P1 बेट आपके पास और नेक्स्ट आपके पास एट अ रेट ऑफ, देखिए R1 इसका नाम देते हैं 6% पर एनम है, और कुछ बच्चे समझ रहे हैं क्योंकि नाम आ रहे हैं तो ये अनम लिखा हुआ है, ये एनम लिखा हुआ है क्योंकि एनम मींस एनुअली, एनुअल सेफली लिखा हुआ। अब आपके पास आगे देखिए एंड PGR यानी दूसरा जो है P2 वो बेटा दिया हुआ है 1200 PGR और नेक्स्ट है पे द सिंपल इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 7%, जो दूसरा रेट उसका दिया हुआ बेटा वो 7% है पर एनम। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज हर टोटल इंटरेस्ट ऑन दीज टू इन्वेस्टमेंट। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे उतना टाइम नहीं दिया हुआ, बेसिकली यहाँ पे जो टाइम है पर एनम एक साल का है, इधर भी बेटा आपका टाइम जो है वो 1 ईयर है और इधर भी आपका जो टाइम दिया हुआ वो क्या है बेटा 1 ईयर। अब आप करेंगे क्या, अब उसने पूछा है टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट का मतलब ये होगा कि हम इसके दोनों के इंटरेस्ट निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, देखो टोटल इंटरेस्ट में। अब देखिएगा पहला आपके पास है बेटा I1, मैं नाम सॉल्व कर रहा हूँ, P1, R1 और T1 ओवर 100, ठीक है जी। सिर्फ क्योंकि हम ये क्यों नाम दे रहे हैं, सिर्फ दो करने के लिए क्योंकि यहाँ पे दो इंटरेस्ट की बात हो रही है। हाँ जी, P1 बेटा क्या है 800, रेट आपके पास क्या है बेटा 6, टाइम 1 ईयर है, डिवाइड पे 100 करेंगे, 2 जीरो से कैंसिल हो गया बेटा, तो 1 ईयर है 8, 6, 48। इसका मतलब है 48 जो है वो पहला उसकी इन्वेस्टमेंट पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरी बात क्या जी, I2 फॉर्मूला वही है, P1 है जैसे P2, T है जी P और T PRT, इसका हम 2 का नाम खुद दे रहे हैं, ठीक हो गया। आप इंटरेस्ट है बेटा आपके पास, यू हैव टू फाइंड आउट, अब जो प्रिंसिपल अमाउंट है दूसरी वो है 1200, रेट के तरफ कितना आ रहा है 7% और टाइम कितना आ रहा है बेटा 1 ईयर ओवर 100 हो गया जी, कैंसिल करेंगे 12, 7, 84। इसका मतलब ये हो गया कि पहली इन्वेस्टमेंट में उसको साल में 48 मिलेंगे, जो दूसरी इन्वेस्टमेंट की है 1200 उसको फिर ईयर में क्या मिलेंगे बेटा 84 मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट मतलब आपके पास सिंपल ये होगा, जब हम टोटल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट में आप दोनों को ऐड कर दें बेटा, कि हम यूँ कर लेंगे I1 + I2, तो फर्स्ट आपके पास है 48 को 84 में जब ऐड करेंगे आंसर विल बी 132 PKR। इसका मतलब है कि दोनों इन्वेस्टमेंट के बाद उसको, अब देखिए उसने टोटल जो है 1200 और 800 2000 इन्वेस्ट किया है, 2000 इन्वेस्ट करने के बाद एक साल के बाद उसको कितने मिलेंगे बेटा 132 इजाफी मिलेंगे, एडिशनल मिलेंगे जो इंटरेस्ट। चलिए जी, थैंक यू जी।